गाइस गुड इवनिंग, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं बलारपुर इंडस्ट्री शेयर के बारे में। दोस्तों ये जो कंपनी है ओनली आपको 75 पैसे में मिल रहा है, यानी 1 रुपये से नीचे मिलने वाला शेयर। दोस्तों इस तरह का कंपनी में पंप एंड डंप का सिस्टम चलता है, इसीलिए आपको ओनली 500 ही डालना है। 500 से नीचे डाल सकते हो, 100, 200, 500, उससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हाई रिस्क होता है इस तरह का शेयर। अगर हम लोग कंपनी का डिटेल्स देखते हैं, हम लोग अभी देखेंगे। और दोस्तों पॉजिटिव रहेगा तो पैसा लगाना, नहीं तो 500 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप देखोगे तो कंपनी का 2019 का ही रिजल्ट अवेलेबल है, जो कि लास्ट रिजल्ट में हम लोग को रेवेन्यू में, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा, रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ था। अगर नेटवर्थ दिखाऊंगा तो नेटवर्थ में माइनस था, प्रॉफिट दिखाऊंगा प्रॉफिट में भी माइनस था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी रिजल्ट भी डिक्लेरेशन ठीक से नहीं कर रहा है। आप अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर हम लोग को नज़र क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लोग को नज़र आ रहा है कंपनी में शेयर होल्डिंग में 67 रिटेल इन्वेस्टर, 29 यहाँ पर डोमेस्टिक वाले, प्रमोटर भी रखे हैं 2.68 और FI रखा है 0.63। ये पैरामीटर हम लोग को सही नज़र आ रहा है, कंपनी में सभी यहाँ पर स्टेक होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत है लेकिन सभी स्टेक होल्ड कर रहे हैं, अच्छा बात है। अगर हम लोग कंपनी का और डिटेल्स देखेंगे, आज की डेट में कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दिया है, अपर सर्किट मारा है 5 डे में, यहाँ पर अपर सर्किट 1 मंथ में अच्छा रिटर्न, 6 महीने में डाउनफॉल 34%। की चलिए मैक्सिमम देख लेते हैं, 40 रुपीज़ तक तो गया था कंपनी, अभी डाउनफॉल में मिल रहा है 86% की। एक कंपनी 5 रुपये 70 पैसा करके 1999 में लिस्टिंग हुआ था, ठीक है 1999 में लिस्टिंग हुआ था। इस बीच अच्छा रिटर्न दिया है लेकिन इस बीच डाउनफॉल दिया है। अगर आप लोग कंपनी का और थोड़ा डिटेल्स देखोगे, BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है, 91 करोड़ का अच्छा मार्केट कैप रखा है, बुक वैल्यू से ऊपर शेयर मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड नहीं देता है, पी नेगेटिव है, ROCE नेगेटिव है, फेस वैल्यू 2 का है, कर्जा 943 करोड़ का है लेकिन रिजर्व माइनस में एसेट थोड़ा रखा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश रखा है, प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, नेट पॉजिटिव, डिविडेंड नहीं देता है, डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, देखिए बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, डेट टू इक्विटी बहुत ही ज़्यादा है जो कि रिस्क है। आप देखोगे तो कंपनी पेपर में वर्क करता है और ये कंपनी 8 नंबर पर आता है। सेल ग्रोथ क्या बता रहा है, सेल ग्रोथ माइनस, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस, सीजर माइनस, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस, एसेट एसेट में दोस्तों हम लोग को यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो माइनस है, होल्डिंग हम लोग पहले से देख चुके हैं। तो सारा पैरामीटर को छानबीन करने के बाद एक हाई रिस्क वाला कंपनी है, पंप एंड डंप वाला कंपनी है। आप यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम अमाउंट डालना, 100 रुपये डालकर भूल जाना, ठीक है ज़्यादा नहीं डालना। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।